हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है, जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डिटेल सिलेबस है। और एक बात मैं बता दूं कि जो सिलेबस मैंने पहले बताया है सिम 99% वही सिलेबस है। आप वीडियो पहले का भी देख सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है। अभी आप जो सिलेबस आया है उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। और जो एनसीएल का बैच हमारा स्टार्ट है हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे, जो वहाँ पे कंप्लीट कराया गया जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेम 99% वही सिलेबस है। तो कुछ भी आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो भी मैं पढ़ाया हूँ, जो कोर्स अपलोडेड है, वही 99% आने वाला है। और थोड़ा सा 1% इधर उधर जो भी होगा, वो सारा चीज़ कंप्लीट कराएंगे। तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे अगर विजिट नहीं किए होंगे तो वहाँ पे जाकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एक नॉमिनल अमाउंट पे करके और बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है आपके लिए। ओके, तो चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं और आपको मैं सिलेबस दिखाता हूँ। तो देखेंगे ये ऑफिशियल सिलेबस है, अभी आज ही आया हुआ है सिलेबस। तो ये 3 कैटेगरी का है जिसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो 3rd नंबर पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ग्रेड सी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस ये है, 70 क्वेश्चन जो है टेक्निकल का आपका आएगा और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का। तो सेक्शन ए में 70 क्वेश्चन किसके लिए आएगा, आपको मैकेनिकल के लिए बात करते हैं। ये ओवरसियर का के लिए है और इसका पीडीएफ जो है आपको डिटेल सिलेबस का, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, और चलिए मैकेनिकल का बता, ये किसका है, एडमिन क्या है, ये हमारा नहीं है। चलते हैं, सबका सिलेबस आया हुआ है, जितने का भी 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है वो सबका सिलेबस आया हुआ है। तो सारे सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चलेंगे अभी मैकेनिकल सिलेबस के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, असिस्टेंट फोरमैन ENT। ठीक है, इसके बाद है मैकेनिकल का सिलेबस। देखिए असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल सिलेबस, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन, ये जो है ये सारा चीज़ मैंने बताया हुआ है, वही चीज़ आया हुआ है। देख रहे हैं, फर्स्ट देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इसमें है, जो सॉम के अंदर ही आता है। थर्मल इंजीनियरिंग है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये सारा चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इफिशियंसी, ये सारा चीज़ कराया हुआ है। मतलब NCL का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है वो 99% यही सिलेबस है। कुछ भी कम ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब बताए, 2 महीना पहले से जो सिलेबस बना दिया गया है, जो पढ़ाया गया है, सेम वही सिलेबस आया है। मैं आप लोग को पहले ही बताया था, जो सिलेबस जो होगा वो यही रहने वाला है 95%। मैंने 95% का दावा किया था और 99% सिलेबस सेम है। और नॉन टेक्निकल का भी अभी कुछ दिन पहले किसी दूसरे सिलेबस का रेफरेंस लेकर NCL का बताया, वो भी सेम ही है, आपको दिखाते हैं। एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, मतलब ये IC इंजन है, आप देख सकते हैं 5 नंबर पे, 6 नंबर पे बॉयलर, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, फिटिंग, एक्सेसरी, सारा चीज़ें कोर्स में कराया गया है। और आप डिटेल सिलेबस आराम से पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे इसका PDF जो आपको मिल जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी प्रॉपर्टी, मतलब हाइड्रोलिक जो है वो भी है। ठीक है, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जितना बताया हुआ है वो सारा चीज़ें है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। और आपको मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और HMT का सिलेबस ये ऑप्शनल है, ये रहेगा या नहीं भी रह सकता, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इंडस्ट्रियल और HMT नहीं आता है, नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ भी नहीं पूछा जा रहा है। तो HMT और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कहीं नहीं दिया गया है। बट RAC का दिया गया है, RAC जो थर्मल डायनेमिक्स है, थर्मल इंजीनियरिंग, उसी के अंदर जो पोर्शन है वो उसी को बोला जाता है RAC। जैसे यहाँ पे देखेंगे रैंकाइन साइकिल, इफिशियंसी, कार्नोट साइकिल, हीट पंप, विदाउट पंप, इस जो है कार्नोट साइकिल यहाँ पे देख सकते हैं 5th नंबर में, ये आपको दिया हुआ है कार्नोट साइकिल। तो यही सब जो है वो आपका उसी का पार्ट है RAC का, तो वो पढ़ना है आप लोग को और वो मैं पढ़ाया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आपकी वहाँ पे हो जाएगी। अब चलते हैं नॉन टेक्निकल सिलेबस, थोड़ा आपको बता देता हूँ नॉन टेक्निकल में कहाँ क्या सिलेबस है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको नॉन टेक्निकल सिलेबस बता दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये देखेंगे आप नॉन टेक्निकल सिलेबस है, दिस सेक्शन इज कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, विल कैरी 30 क्वेश्चन बिलोंगिंग टू जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये आपको दिया हुआ है। सभी ब्रांच के लिए 30 मार्क्स का क्वेश्चन सेम आने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
मार्क करके बताता हूँ, जनरल नॉलेज है अबाउट इंडियन एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जनरल साइंस आपको पढ़ना है, और जनरल अवेयरनेस में पढ़ना है स्पोर्ट्स डिफेंस बुक एंड प्राइजेस, और इंडियन डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटी पढ़ना है, और रीजनिंग एंड वर्बल मेंटल एबिलिटी आएगा, जो कॉमन रीजनिंग का क्वेश्चन आता है वही रहेगा, और सिनोनिम एंड एंटोमिन। उस समय एक सिलेबस जब मैं बता रहा था तो मैं ये बोला था कि इंग्लिश भी आ सकता है, तो देखिए इंग्लिश आ गया जिसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का 2-3 क्वेश्चन हो सकता है, और अमेरिका ठीक है, और रिलेशनशिप एक्सेट्रा ठीक। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देखेंगे, वर्क रिलेशनशिप, वर्क एंड टाइम, कितना टाइम में कितना काम हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। बहुत कम एप्टीट्यूड का पोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, स्पीड है, एक्सेट्रा लिखा है, मतलब इसके अलावा भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको कोशिश करना है यही 3 यूनिट जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का दिया हुआ है यही पढ़ना है आपको ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का, और आपका इस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। और फ्रेंड्स, आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं और एक बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं एनसीएल का, तो एनसीएल का 30 डेज में हमारा जो कोर्स है, हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करके आप 30 डेज में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस टाइप से सिलेबस को डिजाइन किया गया है कि उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, जो क्वेश्चन आ सकता है जहाँ से टॉपिक पूछा जाता है वही पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से फोकस किया गया है, जो कि आप 30 डेज में अगर 8-10 आवर्स डेली पढ़ते हैं हमारे साथ, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन बेसिक कंसेप्ट के साथ हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट जो है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसमें इंक्लूडेड है कोर्स के साथ, या फिर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई है और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं टेस्ट सीरीज तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और अपनी लेवल जो है आप सोच रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो आप अपने लेवल को चेक कीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके ज़रूर जाएं। उस टेस्ट वहाँ पे हमारे पास अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट करने का वहाँ मौका दिया जाता है, जो एक एक टेस्ट को मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 5 से 10 बार सॉल्व करके उसके बाद एग्जाम में जाएँ एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ और एग्जाम को क्रैक करें। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ ट्विटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनको बताइएगा अगर ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करना है या ऑनलाइन कोर्स एनसीएल के लिए ज्वाइन करना है तो, और कोई भी इन्फॉर्मेशन एनसीएल के रिगार्डिंग आते रहेगा तो आपको हम बताते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं यहाँ पे, या व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे भी डिस्कस होता है वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट गाइज़।